अस्सलामुअलैकुम, I'm ज़ैनब। कैसे हैं आप सब? आज मैंने जो अपनी वीडियो में ये डी आई वाई बनाया है, ये स्पेशली विंटर्स के लिए है, बिकॉज़ सर्दियों के आते ही जो है हमारी स्किन एक ओवर ड्राइनेस का शिकार हो जाती है, जिसकी वजह से जल्द हमारी रूखी सूखी सी रूखी हो जाती है। तो कैसे भी मॉइस्चराइज़र जो हम यूज़ करें तो वो सॉफ्टनेस नहीं आती। मैंने जो ये डी आई वाई बनाया है इसको बॉयज़ गर्ल्स दोनों यूज़ कर सकते हैं, और यह बच्चों के लिए भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि अभी का बच्चों की स्किन जो है वो भी ड्राइनेस का शिकार हो जाती है सर्दियों में। ये डीआईवाई जो है हमारी स्किन को इनर ग्लो देगा और हमारी स्किन को लाइक बेबी स्किन टाइप बनाएगा। इसको नाइट टाइम में अप्लाई करना है, बिकॉज ये नाइट टाइम नाइट क्रीम है। इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। इससे पहले आप मेरी, अगर आपको ये मेरा डीआईवाई पसंद आए, इसको बना के यूज़ कीजिएगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को आप एक लाइक भी दे दीजिएगा, बिकॉज इससे हौसला अफजाई होगी और आपके लाइक से यानी मुझे सपोर्ट मिलेगी, और मैं इसी तरह और भी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ जो हैं डी आई वाइज बनाती रहूँगी। शेयर भी कीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा प्लीज़, और उसके साथ जो एक बेल बटन आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाएगा। इस तरह आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ये रोज़ पेटल्स, फ्रेश रोज़ पेटल्स जो इजीली हमें अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। और इसके बाद हमें चाहिए ये रोज़ एसेंशियल ऑयल, देन हमें चाहिए थोड़ा सा दूध, देन हमें चाहिए आलमंड ऑयल और ये एलोवेरा जेल, और एक खाली कंटेनर ताकि हम इसमें स्टोर कर सकें अपनी क्रीम को। हम इन रोज़ पेटल्स को जो हैं ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, दूध ऐड करके अच्छे से इसका ब्लेंड कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से, ताकि इनका पेस्ट टाइप बन जाए, पेस्ट बन जाए। इसको अच्छे से मैंने ग्राइंड कर लिया है, और इसको मैं स्ट्रेनर की मदद से जो है स्ट्रेन कर लूँगी अच्छे से, ताकि जब हम क्रीम अप्लाई करें तो उसमें कोई भी वो जो ग्राइंड किया हुआ हमारा रोज़ पेटल का मवाद है वो ना आए, वो अच्छा फील नहीं देता। तो इसको मैं अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी। ओके, अब हम जो कंटेनर जिस भी कंटेनर में हमने सेव करनी है क्रीम, तो जो हमने ये अभी ग्राइंड किया है इसको हाफ डालेंगे, बिकॉज़ ये ज़्यादा बन गया है। तो आप ये क्रीम मैक्सिमम एक हफ़्ते के लिए बनाइए। आपने जितनी भी बनानी है अपनी मर्ज़ी से ले लीजिए, और उसमें फिर हम ऐड करेंगे ये रोज़ एसेंशियल ऑयल के 4 से 5 एक जो स्मॉल टीस्पून होता है वो ऐड करेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे ये आलमंड ऑयल के 4 से 5 ड्रॉप्स। देन हम इसमें ऐड करेंगे एलोजेल आप अपने अंदाजे से इसको ऐड कर लीजिए, 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। देन इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, और हमारा जो ये क्रीम है ये रेडी है। इसको मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इस क्रीम की जो हमारी फॉर्म है वो थोड़ी रनी है, तो आप इसकी इसे किसी बोतल में भी सेव कर सकते हैं। इसके 1 से 2 ड्रॉप ही जो हैं वो काफ़ी होंगे। इसको अच्छे से हमने अपनी स्किन के अंदर जज्ब करना है, इसको अच्छे से मसाज करना है, ताकि वो स्किन के अंदर जज्ब हो जाए, और पूरी रात जो है हमारी स्किन को एक स्किन में डीपली मॉइस्चराइज़र जो है चला जाए इसका, और सुबह तक हमारी स्किन लाइक बेबी स्किन टाइप सॉफ्टर हो जाए। तो ये सर्दियां हैं तो हम सर्दियों का फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि ये ऑयल्स जो हैं ऐसी चीज़ें गर्मियों में हम इतना नहीं यूज़ कर सकते, तो सर्दियों में बिकॉज ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, तो हम सर्दियों का फ़ायदा उठा के अपनी स्किन को जो है ज़बरदस्त बना सकते हैं। इसको हम अपने बच्चों पे भी, लड़कों पे बच्चों पे भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हर एक स्किन को जो है केयर की ज़रूरत होती है। तो आप बाकी का जो इसका बच जाए उसको फ्रीज़र में रख के सेफ भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीक या जब भी आपको ये ख़त्म हो जाए तो आप उसको दोबारा यूज़ कर लीजिए। आप इस क्रीम को बेटर होगा कि फ्रिज में ही सेव कीजिए, वैसे बाहर भी सेव कर सकते हैं, बिकॉज इसमें रोज़ पेटल हमने ऐड की हैं, तो रोज़ जो होता है गुलाब का फूल वो कुछ देर बाद ब्लैकिश की तरफ ब्लैकिश हो जाता है, तो ये क्रीम भी शायद थोड़ी देर बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, बट उसकी खैर है, बट इसकी स्मेल जो है वो औसम है, वो ज़बरदस्त है। तो आप इसको फ्रिज में एक हफ़्ते के लिए इजीली सेव कर सकते हैं, और
मैंने वीडियो बनाकर बाद में इसका वॉइस ओवर किया है, तो अगर मेरी वॉइस मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग मैच ना हो तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज़ वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, वीडियो आगे तो आवाज़ पीछे, कभी आवाज़ आगे तो बोलने में मैं आगे चले जाती हूँ और वीडियो पीछे रह जाती है, तो उसके लिए सॉरी। और कुछ भी नहीं, बस आप मेरी वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और इसको बना के आप इसको ट्राई भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका ज़रूर रिज़ल्ट बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बोला है। तो ओके, बाय बाय, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।